अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.9 का क्वेश्चन नंबर 4। वैसे ही हम लेट करेंगे वाई को इक्वल्स मेशन एन 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर एन। जब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो एक टर्म हमारे पास इसकी ख़त्म हो जाएगी, इन्फिनिटी सी एन एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब इसमें हम इसे कर देंगे पुट, समेशन एन इक्वल वन टू इन्फिनिटी सी एन एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब इसकी जगह वाई की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, समेशन एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन माइनस वन इक्वल ज़ीरो। ठीक हो गया, हम वन को नए नेक्स्ट स्टेप में वन को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारे जो ये एक्स की पावर एन है और एक्स की पावर एन माइनस वन है, अगर हम यहाँ पे एक्स की पावर एन की जगह एन प्लस वन करें तो ये प्लस वन से माइनस वन कट जाएगा तो ये हो जाएगा, और एन प्लस वन इधर भी करें तो प्लस का वन इधर आके माइनस वन हो जाएगा, तो ये एन जो है ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, इसलिए हमें इसे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा ना होता तो फिर हम इसे एक दफ़ा ब्रेक करते और इसे भी और इसके दोनों के जो समेशन है वो एन ज़ीरो वन से स्टार्ट करते। अब एन की जगह हम इसमें एन प्लस वन कर लेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगी एन ज़ीरो से, यहाँ एन की जगह वन एन प्लस वन आएगा तो वन प्लस वन इधर के माइनस वन हो जाएगा, तो एन ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएगा। एन की जगह एन प्लस वन, यहाँ भी एन प्लस वन, एक्स की पावर एन रह जाएगी, प्लस वन माइनस वन कट जाएगा। समेशन एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन, ये तो जाके वन हो गया। ठीक हो गया, अब ये एक्स एन का तो हमारा कोफिशेंट हो गया, अब ये जो है इसके साथ मतलब क्या होगा, एक्स की पावर कोई ज़ीरो ही होगी तभी ही वन बनेगा ना, तो मतलब यहाँ पे भी कोई एक्स की पावर ज़ीरो वाला हम लेंगे, मतलब इसे हम ब्रेक कर लेंगे इसको यानी कि वन से स्टार्ट कर लेंगे, एक दफ़ा इसे ब्रेक कर लेंगे। अगर इसे करेंगे तो इसे भी करेंगे क्योंकि दोनों की समेशन हमने सेम रखनी है। इसे ब्रेक करेंगे, एन की जगह अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे, इसे जब एक्स की नोट के इस तरफ बनाने के लिए हम ब्रेक करेंगे, एक एक दफ़ा दोनों को ब्रेक करेंगे क्योंकि दोनों की समेशन सेम है, यह हमारे पास आ जाएगा। जब नोट पुट करेंगे तो सी वन आ जाएगा, वन प्लस वन नोट पुट करेंगे तो वन ज़ीरो प्लस वन वन आ जाएगा, एक्स की पावर ज़ीरो आ जाएगी, प्लस इसे ब्रेक करेंगे हम सी नॉट एक्स की पावर ज़ीरो आ जाएगी, प्लस अब इन्हें वैसे राइट कर लेंगे हम, समेशन एन अब वन से स्टार्ट हो जाएगी समेशन हमारी क्योंकि एक दफ़ा दोनों को ब्रेक कर लिया, एन प्लस वन एक्स एन प्लस समेशन एन इक्वल ज़ीरो टू इन्फिनिटी वन टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन एक्स नॉट। अब देखें यहाँ पे अगर हम कंपेयरिंग करें एक्स नॉट के कोफिशेंट को, यहाँ पे क्या आ रहा है, सी वन प्लस सी नॉट और इक्वल वन आ रहा है। ठीक हो गया, अब एक्स एन के कोफिशेंट को कंपेयर करें तो हमारे पास आ रहा है सी एन प्लस वन, एन प्लस वन प्लस यहाँ पे आ रहा है सी एन आ रहा है इक्वल, उस तरफ कोई भी नहीं है तो ज़ीरो आ गया। ठीक हो गया, जहाँ पर हमने एक पहले से इस तरफ ले जाते हैं सी एन प्लस वन, ये उस तरफ जाके माइनस सी एन हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा एन प्लस वन। अब यहाँ पे जब हमने एन की वैल्यू पुट करनी होती है, ये लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस नहीं किया था कि जो एन की वैल्यू होती है वो हमने पुट करनी होती है यहाँ जो समेशन जहाँ से हमने कंपेयर किया है, समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वन से, तो मतलब एन जो हमने लेना है वो ग्रेटर और इक्वल हो वन के, यानी कि एन जो है वो वन से बड़ा हो और वन हो, यानी कि वन से हमने स्टार्ट करना है, जहाँ से ये समेशन स्टार्ट हो रही होगी वहीं से हमने एन लेना स्टार्ट करना है। अब सी की जगह एन की जगह जब वन लेंगे, सी नॉट माइनस सी वन और वन ओवर वन टू हो गया, माइनस सी वन ओवर टू आ गया। ठीक हो गया, अब सी वन की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, सी वन इक्वल वन माइनस सी नॉट, ये सी वन की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब यहाँ पर सी वन की जगह ये इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, माइनस वन माइनस सी नॉट ओवर टू आ गई। ठीक हो गया, अब अगर हम फोर एन इक्वल टू के लिए करें तो ये हो जाएगा सी थ्री माइनस सी टू ओवर टू, टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, माइनस सी टू हमारे पास क्या है, माइनस इंटू वन माइनस सी नॉट ओवर टू, माइनस इंटू वन माइनस सी नॉट ओवर टू और ये थ्री, ये टू और थ्री मिलके टू का थ्री का फैक्टोरियल बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन माइनस सी नॉट
ओवर 2 का फैक्टोरियल बन जाएगा, ये हमारे पास सी थ्री आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम करें 4 एन इक्वल 2 के लिए किया है, 3 के लिए करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस सी 3 ओवर 3 प्लस 1, 4 आ जाएगा। माइनस सी 3 हमारे पास क्या है, 1 माइनस सी नॉट ओवर 2 का फैक्टोरियल था और इसके ओवर में है ये 4, ये सॉरी ये 2 और 3, ये 3 का फैक्टोरियल है, ऊपर वाला ये 2 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल, 3 के फैक्टोरियल में 4 जो बन जाएगा तो 4 का फैक्टोरियल बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 माइनस सी नॉट ओवर 4 का फैक्टोरियल। ये इसी तरह चलते जाएंगे, यानी कि एक दफ़ा ये प्लस में आ रहा है, फिर माइनस में आ गया, फिर ये प्लस में आ गया, फिर ये माइनस में, फिर प्लस में आएगा, फिर माइनस में आएगा। जौन सा सी यहाँ पे होगा, अगर सी 4 होगा तो 4 का फैक्टोरियल, अगर सी 3 होगा 3 का फैक्टोरियल, सी 5 होगा तो 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ये जो होगी सेम रहेगी। हम इसे इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, वाई इक्वल सी नॉट प्लस सी 1 एक्स प्लस सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस सोन। सी नॉट प्लस सी 1 हमारे पास क्या है, 1 माइनस सी नॉट एक्स प्लस सी 2 हमारे पास क्या है, माइनस इंटू 1 माइनस सी नॉट ओवर 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, 1 माइनस सी नॉट ओवर 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सी 3 आ रहा है, 1 माइनस सी नॉट ओवर 3 का फैक्टोरियल, 1 माइनस सी नॉट ओवर 3 का फैक्टोरियल एक्स 3 माइनस, इस तरह सोन ही चलते जाएंगे, ठीक हो गया। इसमें से सी नॉट कॉमन ही आएगा क्योंकि ये 1 माइनस में यूज़र है, बस इसी तरह ये हमारे पास बन जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 राइट कर लिया। ये इक्वेशन को एक्स को अंदर मैंने और वाई को मल्टीप्लाई कर, वाई के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई मैंने कर लिया और एक्स और एक्स डेरिवेटिव की वैल्यूज़ लिख ली हैं जो हम लेट करते होते हैं, ये इसमें पुट करेंगे। समेशन डेरिवेटिव की वैल्यू पहले पुट करेंगे, एन इक्वल 1 टू इन्फिनिटी सी एन एन एक्स एन माइनस 1 है और ये इसकी एक्स की पावर भी 1 है और ये मिलके हमारे पास माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएंगे, इसलिए वो लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। माइनस अब फिर एक्स डेरिवेटिव की वैल्यू, वाई डेरिवेटिव की वैल्यू लिखेंगे, एन इक्वल 1 टू इन्फिनिटी सी एन एन एक्स की पावर एन, ये माइनस 1 है, ये 2 है, माइनस 1 प्लस 2 हमारे पास प्लस 1 आ जाएगा, ये प्लस 1 लिख ली। वाई या सिंपल वाई वल की वैल्यू लिख देंगे हम, एन 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स एन है, ये एक्स एन, लेकिन इसमें ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट, इसे एक दफ़ा ब्रेक कर देंगे और इसमें देखें ये एक्स की पावर एन माइनस 1 है, इसे भी एन बनाना है तो एन की जगह क्या लिखेंगे, एन माइनस 1, ठीक हो गया। समेशन एन इक्वल 1 टू इन्फिनिटी सी एन एन एक्स एन माइनस समेशन, एन की जगह एन माइनस 1 आएगा, दूसरे जाके प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, एन 2 से स्टार्ट हो जाएगा, इन्फिनिटी सी एन माइनस 1, यहाँ भी एन माइनस 1, एक्स की पावर एन रह जाएगी, इसे एक दफ़ा ब्रेक कर लेंगे, सी नोट एक्स नोट प्लस समेशन एन इक्वल 1 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन, ठीक हो गया। अब देखें ये सारे एक्स एन हो गए लेकिन ये 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, एक एक दफ़ा और ब्रेक कर लेंगे, ये 1 करेंगे सी 1, एन की जगह 1 आ जाएगा और एक्स की पावर 1 तो एक्स ही रह जाएगा, प्लस इसे वैसे लिख लेंगे अब 2 से स्टार्ट करके, सी एन एन एक्स की पावर एन माइनस, अब ये ठीक हो गया, अब इसे तो वैसे लिखना क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 टू इन्फिनिटी सी एन माइनस 1 एन माइनस 1 एक्स की पावर एन इक्वल सी नॉट एक्स नॉट, अब इसे एक बार ब्रेक कर लेंगे ताकि ये भी 2 से स्टार्ट हो जाए, प्लस सी 1 एक्स की पावर 1 तो एक्स आ गया, प्लस अब ये 2 से स्टार्ट कर देंगे, सी एन एक्स एन हो गया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, ये एक्स एन हो गए, सबसे पहले तो ये एक्स नॉट है, मतलब कॉन्स्टेंट को हमने कंपेयर करना है, सी नोट आ गया हमारे पास 0 की इक्वल, क्योंकि इस तरफ हमारे पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो उसके बाद एक्स की वैल्यू को अगर कंपेयर करें तो सी वन इक्वल सी वन ही आ रही है, मतलब ये तो अगर हम लेके इस तरफ भी लेके आए तो 0 होकर ख़त्म हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक्स एन जब देखें तो इसके कोफिशिएंट क्या है, इस तरफ सी एन एन
और इस तरफ क्या है माइनस सी एन माइनस वन, एन माइनस वन इक्वल इस तरफ क्या है सी एन। ठीक हो गया, ये सी एन इस तरफ ले जाते हैं, इसे इस तरफ ले जाते हैं सी एन, तो ये एन इस तरफ आके माइनस वन हो जाएगा, सी एन माइनस वन एन माइनस वन। ये टर्म जो पिछली टर्म बता रही है एन में से वन माइनस हो रहा है ये एन है, तो इसे उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, सी एन माइनस वन एन माइनस वन एन माइनस वन, तो ये कट गया, तो सी एन हमारे पास आ गया सी एन माइनस वन। ठीक हो गया, अभी हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, देखिए स्पेशन टू से स्टार्ट हो रही थी तो हमने इसे टू से स्टार्ट करना है, फोर एन इक्वल टू, तो सी टू हमारे पास आ जाएगा वन माइनस करना है सी वन के। ठीक हो गया, फिर उसके बाद हम करेंगे एन इक्वल थ्री के लिए, सी थ्री इक्वल आ जाएगा सी टू के, और सी टू हमारे पास क्या है सी वन। फिर उसके बाद सी एन फोर के लिए करेंगे सी फोर इक्वल सी थ्री, और सी थ्री किसी इक्वल है सी वन के, यानी कि इसी तरह चलता जाएगा सारे सी वन के इक्वल आ जाएंगे। तो जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास वाई इक्वल सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स के प्लस सोन, सी नोट हमारे पास जीरो आया था, ये जीरो हो गया, सी वन ही है एक्स, सी टू भी सी वन है एक्स के, सोन इस तरह चलते जो सारे सी वन ही है हमारे पास, सी वन सब में से कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा एक्स भी कॉमन ले लें, इधर वन रह जाएगा प्लस एक्स के प्लस सोन, ये इस तरह चलता जाएगा हमारे पास, ये फॉर्म बन जाएगी वाई की। ठीक हो गया,